हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से मोटोरोला का फ़ोन है जो कि रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सब बात करने वाला हूँ। मेरे पास है मोटो G8 पावर लाइट, आप देख सकते हैं, तो आज मैं इसी का रीसेट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और पैटर्न लॉक आसानी से रिमूव कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब सबसे पहले आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें, कोई सा भी फ़ोन हो आप उसको स्विच ऑफ करने के बाद ही रिसेट कर सकते हैं, अगर आप बटन के साथ अप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर बटन है और यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन हैं। तो वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ ये सेक्शन आएगा इस तरीके का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम डाउन से आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं, वॉल्यूम डाउन से ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा। और ये आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर, और ये आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए ये ऊपर वॉल्यूम डाउन और अप का बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं स्वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आने के लिए मैंने पावर बटन का इस्तेमाल किया है। और ऊपर नीचे करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन से क्लिक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्लिक करने के लिए नीचे यस पे क्लिक किया मैंने वॉल्यूम डाउन अप बटन से, उसके बाद पावर बटन प्रेस कर दिया। पावर बटन से आपको नेक्स्ट में मतलब आगे बढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है सिस्टम रिबूट और नीचे फैक्ट्री रीसेट डेटा स्वाइप वगैरह दिखा रहा है। तो एक बार फिर से वो क्लिक नहीं, वो रिबूट नाउ पे क्लिक कर देना है आपको, फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो थोड़ा वेट करना है, पहले फैक्ट्री स्वाइप डेटा है उसको इरेज कर देना है, जैसे कि स्वाइप लिखा हुआ था उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। और आप देख सकते हैं मोटोरोला का डिवाइस है, मोटोरोला का कोई भी डिवाइस इसी तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं इजी तरीके से। आप देख सकते हैं मोटो G8 पावर लाइट है ये। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तरीके का इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और ये प्रोसेस हो रहा है। तो एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपका बैटरी परसेंटेज अगर कम होता है और आप उस टाइम में रीसेट करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो डेड होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और आपको जब भी रीसेट करें तो 50% से ऊपर ही रखें, 50% एटलीस्ट रखना ही चाहिए आपको, और उसके बाद रीसेट करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने रीसेट कर दिया है तो बैटरी चली जाएगी तो दिक्कत हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे में आपको बटन देखने को मिल जाएगा वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर में, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और घंटी का ऑप्शन आएगा तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो ये कुछ करीब करीब आपका, कम से कम अगर आप रीसेट करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट लग जाता है, और आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कितना जल्दी हो जाता है, उसमें कितना आपने वीडियो फाइल वगैरह रखा हुआ है तो उसके हिसाब से होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये अभी भी प्रोसेस हो रहा है और आपका भी इसी तरीके से होगा प्रोसेस। तो आपको थोड़ा सा वेट करना ही होगा क्योंकि आपको 10 से 15 मिनट ये होने में, प्रोसेस होने में लग जाता है, मतलब टोटल कंप्लीट होने में। तो थोड़ा वेट करें, और मैं वीडियो को जब तक के लिए यहाँ पे पॉज कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पॉज करने से पहले ही मेरा हो गया है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया और स्टार्ट पर क्लिक करना है आपको, जैसे कि मैंने किया है। यहाँ पर स्किप दिखेगा, स्किप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाता है यहाँ पे। तो आपको नीचे में सबसे एरो का भी बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो यहाँ से वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा
इंटरनेट अवेलेबल है तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आप भी कर लीजिएगा, किसी हॉटस्पॉट या किसी का हॉटस्पॉट ऑन करके आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये कनेक्ट हो जाएगा ऊपर में। आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत ही आसान है ये, और बस हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और यहाँ पे वाईफाई का अपना नाम पता कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। पैटर्न लॉक लगाना चाहते तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखता है और नेक्स्ट कर दीजिए, स्किप पे क्लिक कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा जब रीसेट करते तो वहाँ पे स्वाइप डेटा पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपका सारा मतलब पैटर्न लॉक वगैरह रिमूव होगा। और यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ। एक बार ओके पे क्लिक करेंगे हम और ये हमारा फाइनलाइज हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट करें। और इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड ऐड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नेक्स्ट कर दिया है और ये हमारा रीसेट हो चुका है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल ववाल हो मन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।